ये आज की कहानी है एक डरावनी रात की। तो किसी गांव में वंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था, आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उससे उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला और वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया। और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे की चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल के घुरु की आवाज़ सुनाई दी और बंटी तुरंत तेज से जाग उठा और जल्दी से खिड़की के पास गया ये पता करने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। वंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं, आपको हवा से लग रहा होगा, वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसी लगती है, आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ सुनने पहले से भी ज़्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह कम बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल ले करके होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देखा था अब वो नहीं दिख रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढती हुई जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। वंटी जब ये सब देखा तो उसके पाँव तले जमीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि वह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ से यहाँ तक तो मुझे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भाग गया ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। बल्कि जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश किया, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी, जहाँ पर उसने लाशें रखी थी। बंटी हनुमान जी का जाप करके इतनी तेज से वहाँ से भागा कि मानो उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हें इतना डरे हुए क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए, वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती, और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो, इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए। बंटी जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसका डर के मारे पसीना निकलने लग गया। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी, और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। बंटी जब उस आदमी की पूरी बात सुना तो वह जोश से रोने लगा ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चिपकाया और बोला, आज तुम मेरे घर रह पर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, मैं आ गया हूँ ना। बंटी उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से वादा किया कि आज के बाद वह भूल कर भी कभी अनजान जगह पर नहीं जाएगा। और इसी के साथ हमारी ये भूत वाली कहानी होती है ख़त्म। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, अगर अच्छी हो लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।